सड़क पर व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ सबसे जरूरी चीज होती है वाहन का बीमा। लेकिन वाहन बीमा सिर्फ आपको ट्रैफिक चालान से ही सुरक्षा नहीं देता, बल्कि यह आपको अनहोनी से भी सुरक्षा प्रदान करता है। आपका वाहन चोरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, बाढ़ में बह जाए, हर सिचुएशन में बीमा हमारी मदद करता है। लेकिन अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि जितना क्लेम किया जाता है बीमा कंपनी उतने पैसे नहीं देती। तो एक्चुअली में बीमा कंपनियों के पास क्लेम प्रोसेस का एक तय फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी क्रिएटेड एक फॉर्मूला होता है उनके पास। इसके साथ ही बीमा कंपनी आपकी कार की डेप्रिसिएशन वैल्यू के आधार पर आपका प्रीमियम तय करती है और इसी के आधार पर क्लेम की राशि तय करती है। हालांकि आपके पास कई प्रकार के एड ऑन होते हैं जिनकी मदद से आप बेहतर कवर हासिल कर सकते हैं और क्लेम के टाइम पर ज्यादा क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न एड ऑन के बारे में और ये भी जानेंगे कि कैसे आपको ज्यादा ये कवरेज प्रदान करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी नाइन, मैं हूं मीनू शर्मा। इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि वाहन बीमा कितने तरह के होते हैं। तो पहला होता है थर्ड पार्टी बीमा। ये एक बेसिक वाहन बीमा होता है। कानूनी रूप से सड़क पर चलने वाली सभी वाहनों के पास थर्ड पार्टी बीमा होना जरूरी है। इसमें आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि आपकी वाहन से जो दूसरा वाहन टकराता है ये उसकी क्षतिपूर्ति के लिए होता है। दूसरा बीमा होता है ऑन डैमेज। इस बीमा में आपकी कार को हुए नुकसान को कवर किया जाता है। इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव बीमा। यहाँ कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू तय की जाती है और इसी के आधार पर बीमा पॉलिसी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एक पेंच है। मान लीजिए कि आपकी कार डैमेज हो जाती है और आपकी कार का बम्पर डैमेज हो जाता है और आपको नया बम्पर पड़वाना पड़ता है, तो बीमा कंपनी आपको नए बम्पर को कवर नहीं करती है, बल्कि कार की डेप्रिसिएशन वैल्यू के आधार पर पैसे अदा करती है। यानी आपकी कार जितनी पुरानी है उतना कम बीमा मिलता है। आप इस बेसिक इंश्योरेंस पर कई एड ऑन भी ले सकते हैं। इसमें पहला एड ऑन है जीरो डेप्रिसिएशन कवर। इसके अंतर्गत गाड़ी का कोई भी पार्ट रिपेयर करने पर इंश्योरेंस कंपनी उसके पूरे के पूरे पैसे आपको देगी। यानी कार के पुराने होने पर उसके डेप्रिसिएशन से आपको सुरक्षा मिलती है। लागत की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव कवर का करीब 30-40% जो है खर्च बैठता है, वो उसके 30-40% कवर के बराबर होता है। ये एड ऑन आपके कार बीमा प्रीमियम को बढ़ा सकता है, लेकिन किसी दुर्घटना की स्थिति में ये आपको बड़ी राशि बचाने में मदद कर सकता है। ऐसे में अगर आप कार का बीमा करवा रहे हैं तो सलाह दी जाती है कि आप ये एड ऑन ले लें, क्योंकि 2,000-3,000 रुपए की अतिरिक्त लागत आपके हजारों रुपए भी बचा सकती है। एक और फायदेमंद एड ऑन है रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन। ये एड ऑन कार के वास्तविक वैल्यू और डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी IDV के बीच में अंतर का कवरेज दिलाता है। मान लीजिए कि आपने बीमा लेते टाइम पर कार की IDV 2,00,000 रुपए तय की और अगर आपने इंश्योरेंस में रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन को ले रखा है तो आपको 2,00,000 रुपए का नुकसान नहीं होगा, आपको कार की पूरी कीमत मिलेगी। ऐसे में बेहतर है कि आप RTI एड ऑन को भी अपने इंश्योरेंस में ऐड करा लें। इसके अलावा एक अन्य जरूरी और काम का एड ऑन है इंजन प्रोटेक्शन। कई मामलों में इंजन को होने वाले नुकसान बीमा के बुनियादी कवरेज के दायरे में नहीं होते हैं। ऐसे में अगर आपने इस एड ऑन को ले रखा है तो आपको टेंशन नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जब बारिश बहुत ज्यादा होती है और जल जमाव के कारण कार के इंजन के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। बता दें कि आमतौर पर इंजन की गड़बड़ी का खर्च 40-50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा होता है। ऐसे में एड ऑन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये एड ऑन ज्यादा महंगा भी नहीं होता, ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव कवर का करीब 10% होता है। कंज्यूमेबल भी कार इंश्योरेंस का एक जरूरी एड ऑन है। कार में कई ऐसे कलपुर्जे होते हैं जो खुलने के बाद दोबारा काम के नहीं होते। इसके अलावा इंजन ऑयल से लेकर कूलेंट जैसी कई चीजें भी होती हैं। सामान्य कवरेज की स्थिति में आपको इन सब का खर्च अपनी पॉकेट से ही देना पड़ता है, जबकि कंज्यूमेबल एड ऑन रहने से आपको कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि कार की मरम्मत में कंज्यूमेबल का खर्च काफी मोटा बैठता है। ऐसे में जरूरी है कि आप ये एड ऑन ले लें, ये काफी सस्ता भी पड़ता है। इसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस, टायर कवरेज जैसे दूसरे एड ऑन भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। कई कंपनियां होटल तक के खर्च का कवरेज देती हैं। मान लीजिए कि आपकी कार कहीं खराब हो जाती है और ऐसे में आपको होटल में कहीं रुकना पड़ता है तो इसका एड ऑन होने से आपके ठहरने का जो खर्च होगा वो बीमा कंपनी देगी। आप इंश्योरेंस रिन्यू कराते टाइम इन एड ऑन को अपने कवरेज में शामिल कर सकते हैं। कई कंपनियां बीच में भी एड ऑन खरीदने की सुविधा देती हैं। इसके लिए आप अपनी बीमा कंपनी से बात करें। तो देखा आपने कि कुछ ऐसे एड ऑन होते हैं, अगर आप ले लेंगे तो आपके जेब के जो पैसे हैं वो बच जाएंगे, आप बचत कर पाएंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9 और सब्सक्राइब करें मनी9 का यूट्यूब चैनल।